नमस्कार, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल में मैं नितिन कनोत्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। इस समय मैं एक ऐसी जगह खड़ा हूं जिस जगह का जम्मू के लोगों को काफ़ी समय से इंतज़ार था। जी बिल्कुल, ये गंडोला स्टेशन है और इस स्टेशन का नाम है बाहू गंडोला स्टेशन। यहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह की मशीनरी है और यहाँ की इनॉग्रेशन जो है हमारे पिछले जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे जीसी मुर्मू साहब, उन्होंने 27 जुलाई को की थी, लेकिन उसके बाद इसका ऑपरेशन रोक दिया गया। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ कोरोना वायरस था, क्योंकि फिगर्स जिस तरह से दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे, आंकड़े जो हैं डेथ टोल बढ़ता जा रहा था, तो प्रशासन को इसे रोकना पड़ा, इसके जो ऑपरेशनल वर्क था उसे रोकना पड़ा। लेकिन आज जम्मू के लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात है कि इसे शुरू कर दिया गया है और आप देख सकते हैं कि एक टूरिस्ट जो है गंडोला की राइड लेकर यहाँ पहुँच चुका है। हम पूरी कोशिश करेंगे उनसे जानने की कि इस राइड का कितना मज़ा है, क्या ये जम्मू में पहले देखा गया कभी, क्या उम्मीद थी कि कुछ ऐसा हमारे जम्मू में आएगा जिसे हम इंजॉय कर सकें। तो अभी आप देख सकते हैं कि इसमें टूरिस्ट बैठे हुए हैं, हम कोशिश करेंगे इनसे बात करने की, जानेंगे कि किस तरह का इनका अनुभव रहा। लेकिन आज की इस गंडोला जो बाहू गंडोला स्टेशन है इसको शुरू कर दिया गया है और लोग जो हैं, कपल्स की बात हो, फैमिलीज की बात हो, इसे शुरू कर दिया गया, लोग इस राइड का मज़ा ले सकते हैं। और इन सब पर हम जो यहाँ के इंचार्ज हैं उनसे मिलेंगे, उनसे जानेंगे कि उनका इस पर क्या कहना है। इस समय हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए यहाँ के इस गंडोला बाहू स्टेशन के जो इंचार्ज हैं राकेश भट्ट जी, उनसे हम जानेंगे कि ये क्यों बंद किया गया था, क्या वजहें रही। राकेश जी, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, मोस्ट वेलकम। और ये खुशी की बात है आज के हमने जो जम्मू रोपे का कमर्शियल ऑपरेशन है आज से स्टार्ट किया है फॉर जनरल पब्लिक इसकी, क्योंकि बट सब ये 27 जुलाई को इनॉग्रेट किया गया था मुर्मू जी के द्वारा, जो कि यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। क्या वजहें रही कि उसके बाद इसका ऑपरेशनल जो वर्क है उसे बंद कर दिया गया, लोगों को जो इसका मज़ा था वो मुहैया नहीं करवाया गया? नहीं, एक्चुअली जो इनॉग्रेट तो हो गया, बट ड्यू टू कोविड गाइडलाइंस, जो कोविड रेस्ट्रिक्शंस की वजह से ये बंद था, कि हमें कमर्शियली हमें ना परमिशन नहीं था कि आप कमर्शियली इसको ऑपरेट करो ड्यू टू कोविड गाइडलाइंस। तो अब जो हमें गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्शन आ गई है कि आप जो इसमें प्रिकॉशंस है वो आप फॉलो कीजिए, तो इसको कमर्शियली स्टार्ट कीजिए तो ऑपरेशन। तो आज से हमने इसका कमर्शियल ऑपरेशन स्टार्ट किया है और जो भी कोविड प्रिकॉशंस है, जैसे कि हमारे यहाँ पे हम कैबिन्स में 6 पैसेंजर की कैपेसिटी है, हम आप 3 ही को अलाउ करते हैं मैक्सिमम, और जो भी पैसेंजर बोर्ड करता है कैबिन उसको विदाउट मास्क में अलाउ नहीं करते हैं, और उसकी थर्मल स्क्रीनिंग भी हम यहाँ पे कर लेते हैं। इतने महीनों के बाद आज ये ऑपरेशन शुरू हुआ है, तो मन में किस तरह की खुशी है? नहीं, ये तो खुशी की बात है, क्योंकि हमारे जम्मू वासी जो कब से ये थे कि ये जल्दी से जल्दी स्टार्ट हो जाए तो हम भी इस गंडोला का आनंद उठा दें, हम जो राइड है हम भी जो, क्योंकि ये हमारा जो प्रोजेक्ट है ये तीनों हमारे प्राचीनतम मंदिर जो है तीनों को कनेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे हमारे लोकल श्रद्धालु जो वो आ जाएंगे और तीनों जो हमारे मंदिर हैं उनके दर्शन कर लेंगे। राकेश जी, कौन कौन से मंदिर हैं, क्योंकि ये तो बाहू जो है स्टेशन है इस गंडोला का, तो इसमें क्या क्या चीज़ें जो हैं कवर हो सकती हैं, ताकि अगर अगर मेरे को ही जाना हो कल को तो मैं इसमें इस रोप वे में क्या क्या चीज़ें देख सकता हूँ? जो हमारे स्टेशन है, हमारा जो इंटरमीडिएट स्टेशन है महामाया में, वहाँ से हम मोहमाया मंदिर तक भी जाएंगे, और जो महामाया में हमने वहाँ पर फैसिलिटीज़ भी रखी है, जैसे रेस्टोरेंट फैसिलिटी रखी है, तो और दूसरी बात है कि हमने वहाँ पे फन जोन क्रिएट किया है, उसकी भी टेंडेंट हो गई है, वो जल्द से वो भी स्टार्ट हो जाएगा। वहाँ पे बच्चों के लिए जो वीडियो गेम्स है, पूल टेबल वगैरह है, वो टाइम स्पेंड करने के लिए अच्छा वहाँ पे
मिलेगा लोगों को। तो यहाँ से लेकर सिर्फ मोहमाया मंदिर तक ही जा सकते हैं ना? अभी तो हमने कमर्शियल ऑपरेशन स्टार्ट किया है वो से लेके मोहमाया मंदिर तक, उसका जो दूसरा फेज हमारा है मोहमाया से लेके पीर को भी, उसको भी हम जल्दी स्टार्ट करेंगे। तो क्या वो शुरू हो चुका हुआ है, यानी कि उसकी सारी जो काम था वो खत्म हो चुका हुआ है? नहीं, उसका वो फाइनल में है, काम तो सारा खत्म हो गया, बट ड्यू सर्टन पेपर्स वो बाकी जो है फाइनल अथॉरिटी वो टेक ओवर का वो हो जाएगा, तो मोस्ट प्रोबेबली विद इन वन एंड हाफ मंथ वो भी स्टार्ट वो भी शुरू हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। तो राकेश जी मुझे एक चीज़ बताइए कि जैसे आपने बताया कि मोहमाया मंदिर जब हम जाते हैं वो तो सामने स्टेशन हम देख सक रहे हैं जहाँ पर मतलब ये जाकर रुकती है, तो अगर मान लो कि कोई भी टूरिस्ट इसमें बैठता है ठीक है और वो यहाँ से लेकर वहाँ तक जाता है, तो वहाँ वो कितनी देर रुक सकता है और क्या ये गंडोला उसका वेट करेगा या गंडोला वापस आएगा, वो किस तरह से आप चीज़ें मैनेज करेंगे? जी जी जी, ये डिपेंड करता है कि हमारा कितना फ्लो रहे पैसेंजर्स का, टूरिस्ट का, अगर ज़्यादा फ्लो रहे तो फिर उसके हिसाब से हम वो टाइम लिमिट देते हैं कि विद इन हाफ एन आवर या विद इन वन आवर आप जल्दी आ जाए। अगर ज़्यादा रश रहेगा तो मे बी वो हम देते हैं 10-20 मिनट्स, ताकि हम सारे लोगों को ले जाए भी और वापस भी। ये कितने बजे शुरू होता है? जी हमने आज से स्टार्ट किया है कमर्शियल ऑपरेशन, मैं बता दूं कि हमने अभी इसका टाइमिंग रखा है 12 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक, तो डेली हम कोशिश करेंगे इसी टाइम स्लॉट में चलाने की। अगर जितना ज़्यादा रश बढ़ेगा उतना हमें भी रनिंग आवर्स इसके बढ़ा सकते हैं, और हमने इसमें अब इनॉग्रल ऑफर रखा है कि हमारे यहाँ पर जो टिकट्स का प्राइस है वो 300 रुपीज़ है, बट जो इनॉग्रल ऑफर है उसमें हमने रखा है 100 रुपीज़। अभी हम एक दो वीक्स के लिए इसमें यही रेट रखेंगे कि 100 रुपीज़ पर पैसेंजर बोथ फीस। तो 100 रुपीज़ में या आने वाले समय में जैसे आप 300 इसको करेंगे, तो क्या उसमें रेस्टोरेंट्स की जहाँ या जो भी आपने फन जोन वहाँ पे बनाया तो उसी में वो चीज़ें भी इन्वॉल्व रहेंगी या उसका खर्चा अलग से होगा? नहीं, वो तो अलग से एक्टिविटी है, वो हम वो चीज़ें तो बाकी आउटसोर्स कर रहे हैं, तो मेन जो ये 300 रुपीज़ जो रहेगा 2 हफ्ते के बाद वो रहेगा फॉर गंडोला राइड ऑन बोथ साइड्स। राकेश जी एक सवाल मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा कि जब ये कंस्ट्रक्शन काम भी यहाँ पे इसका गंडोला का चल रहा था तो एक बड़ा हादसा पेश हुआ था, सामने आया था, जिसमें कुछ लोगों की मौत भी हो गई थी, तो क्या उन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आपने उन सब चीज़ों, क्योंकि पता नहीं होता कि कब कहाँ क्या हो जाए, तो उसके कुछ एहतियात आपने रखे हुए हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जो एक्सीडेंट हुआ था वो हमारे इस मेन सिस्टम पे नहीं हुआ था, वो एक्सीडेंट हुआ था हमारे ज्यूरिंग इंस्टॉलेशन, जो हमारे वो जो कॉन्ट्रैक्टर्स उसके जो लेबर्स काम कर रहे थे वो इंस्टॉलेशन में वो एक्सीडेंट हुआ, ना कि वो जब स्टार्ट ये ना फाइनल जो हमारा सिस्टम है इस पे हुआ, वो तो ज्यूरिंग कंस्ट्रक्शन फेज में एक्सीडेंट हुआ, दैट वाज अ वेरी अनफॉर्चुनेट ड्यू टू नेग्लिजेंस ऑफ द एट द कॉन्ट्रैक्टर एट द टाइम, बट जो सिस्टम है हमारा ये 100% सेफ है, इसकी सेफ्टी चेकिंग पूरी तरह से हो गई है, जो गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट कमेटी थी इसमें ये टीम ऑफ इंजीनियर्स उन्होंने इसका सारा इंस्पेक्शन करके सेफ्टी सर्टिफिकेट हमें इशू की, एनओसी इशू की, उसी के बाद ये प्रोजेक्ट जो है इनॉग्रेट हो गया। थैंक यू राकेश जी, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे यहाँ पर के जो बाहू गंडोला स्टेशन है उसके इंचार्ज, जिनका नाम था राकेश भट्ट जी। अब हम कोशिश करेंगे कि हम भी इस गंडोला की राइड लें और आपको दिखा सकें कि किस किस तरह के नज़ारे जो हैं इस राइड में देखने को मिलेंगे। तो अब इस गंडोला में तो हम बैठ गए हैं और बाहू स्टेशन जहां से ये शुरू होता है सफ़र उसे हम छोड़ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, और आप यहां का नज़ारा देख सकते हैं। यहां पर रेस्टोरेंट है और पार्क वगैरह है जहां पर बच्चे अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं, टूरिस्ट के लिए बैठने के लिए जगहें बनाई गई हैं यहां पे, मतलब हर एक चीज़ का जो है अच्छा ध्यान रखा गया है। और अब फाइनली हम इस स्टेशन को छोड़ रहे हैं, आप देख सकते हैं कि सामने सारी ओल्ड सिटी यहां से दिखाई देती है, आप नीचे वो हर की पौड़ी का मंदिर भी यहां से देख सकते हैं, और देखिए कितना सुंदर नजारा जम्मू के लोगों के लिए गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है, क्योंकि 27 जुलाई को इसकी इनॉग्रेशन हुई थी जब जीसी मुर्मू जी यहां पर गवर्नर हुआ करते थे, एलजी हुआ करते थे, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से
इसे रोक दिया गया और लेकिन आज इसे दोबारा से शुरू किया गया है लोगों के लिए। अब मैं चाहूंगा कि मेरे वीडियो जर्नलिस्ट अश्विनी जी आपको ये नीचे दिखाएं कि कितना घना जंगल है। लगता ही नहीं कि हम लोग इस समय जम्मू में हैं। देखिए कितना घना जंगल है, साथ में तवी, जो सूर्यपुत्री तवी है वो भी बह रही है। और जो लोग पायलट हैं, तो जो हेलीकॉप्टर्स उड़ाते हैं या प्लेन्स उड़ाते हैं, उन्होंने ऐसे नज़ारे तो जिंदगी में काफ़ी देखे होंगे, लेकिन मैं अपनी जिंदगी में ऐसा नज़ारा फर्स्ट टाइम देख रहा हूं, और वो भी जम्मू में, क्योंकि जम्मू का रहने वाला हूं, जम्मू की बात तो ज़रूर करूंगा। और ये गंडोला मुझे बाहू स्टेशन से ले जा रहा है मोहमाया की तरफ, और आप देख सकते हैं वहां से भी एक गंडोला आ रहा है, लेकिन आज शुरू हुआ है तो शायद इसी वजह से लोगों का काफ़ी रश जो है वो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, मोहमाया मंदिर तक पहुँच चुका हूँ, तो अब यहाँ पर भी देख सकते हैं वैसे ही बैठने के लिए, टूरिस्ट के बैठने के लिए जगहें बनाई गई हैं। हालांकि ये तो अभी जस्ट हम पहुँच रहे हैं यहाँ पर, और अगर यहाँ पर है तो जाहिर सी बात है अंदर और काफ़ी अच्छी चीज़ें जो हैं देखने को हमें मिलेंगी। और एक चीज देखने में बड़ी अच्छी लगी कि दोनों स्टेशन्स पे जो वर्कर्स हैं वो बहुत एक्टिव हैं, वो हर एक छोटी छोटी चीज का ध्यान रख रहे हैं। जैसे हमें वहां से बिठाया गया था और उस समय भी, और वहां से यहां तक पहुंचने पे आप देख सकते हैं कि कैसे यहां के वर्कर्स जो हैं वो खड़े हैं, वो बिल्कुल थॉरली अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं। और अब मैं उतरूंगा यहां से, ये यहाँ पर उतरने का तरीका है। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम इरफान है। अच्छा इरफान साहब, मेरे को राकेश भट्ट जी ने बताया कि यहाँ पर रेस्टोरेंट भी है जी, वो हमारा और वो इस टाइम रनिंग उसमें है, कंडीशन में है? नहीं, अभी नहीं। अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उन्होंने भी ले लिया है, उन्होंने देखा है, अब वो दो तीन दिन में तो वो स्टार्ट कर देंगे। तो इरफान साहब, यहाँ पर उन्होंने मुझे बताया कोई फन जोन भी बनाया गया बच्चों के लिए। जोन है हमारा यहाँ पर सामने, वो भी आउटसोर्स किया हुआ है हमने, वो भी आए, उन्होंने भी देख लिया, अभी स्टार्ट किया है, आज से हो सकता है दो तीन दिन में वो भी अपना वो वहाँ पर स्टार्ट फंक्शनल, मतलब फंक्शनल। इरफान साहब आप बताएंगे ये फर्स्ट फेज में क्या है और ये यहाँ से कहाँ पर जा सकते हैं लोग? ये जो ये हमारा सेकंड फेज है, फर्स्ट फेज हमारा यही है जो ये पीरखू से महामाया, फिर महामाया से यहाँ से उतर के यहाँ से फिर बहु चला जाएगा। अभी ये सेकंड फेज है हमारा, ये सेकंड फेज हमने स्टार्ट किया, इसकी इनॉग्रेशन हो चुकी है। तो ये अब हमने ये स्टार्ट करना है, दोनों साइड से इसमें टिकट की फैसिलिटी रखी है, वहाँ से बंदा आए वो भी टिकट फैसिलिटी, और दूसरी फैसिलिटी हमारी यहाँ से है, जो हमारा यहाँ से मंदिर है, अच्छा मोहमाया मंदिर, वहाँ से कोई आना चाहता है वहाँ भी हमारा टिकट काउंटर है, वहाँ से भी टिकट लेके। अच्छा वहाँ से भी यहाँ पर आ सकता है, वो फंक्शनल है? जी वो भी फंक्शनल है। अच्छा वो भी फंक्शनल, वो भी फंक्शनल। ठीक। अगर वहाँ कोई पर्यटन आता है, कोई भी वहाँ ये मंदिर में आता है, तो अगर वो चाहे तो वो वहाँ यहाँ से टिकट लेके फिर चला जाता है, यानी कि हमारा ऐसे ही एक पाथ बनी हुई है वहाँ तक पैदल पाथ, तो वो वहाँ से भी नजारा लेके यहाँ आता है, यहाँ से टिकट लेता है, वहाँ जाता है, वापस भी आ सकता है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो हेरिटेज है, जो हमारा मुबारक मंडी पैलेस है, उसे भी आप बड़े अच्छे से देख सकते हैं, इजीली आप यहां से फोटो भी ले सकते हैं उसको बिल्कुल क्लोज से, तो पूरी ये ओल्ड सिटी जो है वो आपको दिखेगी यहां से, और वहां से मंदिर भी है, तो उसके भी दर्शन हो सकते हैं आपके। तो इरफान साहब, कब तक उम्मीद की जा सकती है कि ये सारे जितने फेसेस हैं ये ऑपरेशनल हो जाएं? हमारे एंड से कोई इशू नहीं है, अभी गवर्नमेंट को डिसाइड करना है उनको कब इसको इनॉग्रेट करना है, बिल्कुल अभी उन्होंने किया होता तो, लेकिन पैंडेमिक की वजह से अब कोई सेक्रेट में वो चीजें नहीं हो रही है, तो मुझे लगता है कुछ चंद ही महीनों में हो जाएगा। तो साची, आज आपने गंडोला का जूटा लिया? हाँ जी। कैसा लगा? बहुत अच्छा था। डर लगा? नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें बड़ा मजा आता है। अच्छा, किस तरह का मजा आता है साची? मतलब दूर देख के मजा आता। अच्छा, यानी कि दूर, वो जो दूर आपने सिटी देखी, नीचे जंगल देखा, तवी देखी, मंदिर देखे, उसका आपको मजा आया। और क्या मजा आया? और इस राइड में मेरे को थोड़ा सा डर लगा, लेकिन बहुत मजा आया। बहुत मजा आया, लेकिन थोड़ा सा डर लगा आपको? तो किसके साथ आए हो आप?
मैं मम्मा मामी और मामू के साथ हूँ। मामू के साथ, तो कहाँ है आपके मामू? ये रहे। मामू जी नमस्ते। नमस्कार जी। मामू जी क्या नाम है आपका? साहिल खजूरिया। साहिल जी कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र 30 साल। 30 साल आपकी उम्र है। तो साहिल जी कभी गंडोला झूला आपने पहले? कभी पहले, काफी देर पहले, छोटे होते। क्या कहना चाहेंगे? अच्छा एक्सपीरियंस लगा, मजा आया हमें। ठीक है, डेवलपमेंट हो रही है हमारे जम्मू की भी, तो ठीक लगा हमें। अच्छा तो कोविड 19 की वजह से करोड़ तो था नहीं ज्यादा, तो जब ये कोविड 19 कंट्रोल में होगा तो ज्यादातर लोग यहाँ आना प्रेफर करेंगे। प्रेफर करेंगे जी, क्योंकि जी, हर कोई जम्मू का इंसान यही चाहता है कि अपनी फैमिलीज को लेकर आउटिंग पे निकले और इस तरह की चीजें जम्मू में मिले, तो और क्या चाहिए जम्मू के लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैम आपका नाम? स्नेहा। स्नेहा, हाँ जी। कभी पहले मौका मिला ये गंडोला का जूटा लेने का? नहीं, मैंने फर्स्ट टाइम ही लिया। कैसा लगा? अच्छा लगा, थोड़ा डर भी है। हाँ। लेकिन नेचर देखने को मिली, अच्छा लगा। अच्छा लगा। हाँ, तो डर कैसा था, मतलब क्या मन में डर था? मन में ये था नीचे इतना खाई है, कहीं गिर ना जाए, इसलिए बस। इसलिए बस। हाँ, लेकिन उसके साथ साथ हमने मजे लिए, जो दृश्य थे वो देखने को। हाँ, कैसा लगा, क्या क्या चीजें आपने रास्ते में देखी? चीजें बाहर, पेड़ पौधे देखे, बाकी नदी वगैरह देखी, जम्मू तभी देखी अपनी, बस। और मंदिर देखे? और मंदिर देखे। हाँ जी, ज्यादा मैं नीचे देख ही नहीं रही थी, मुझे डर बड़ा लग रहा था। उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले दिनों में मोस्टली लोग आएंगे, इस राइड का मजा लेंगे, क्योंकि जम्मू में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ है ये। तो मतलब एक ऐसा अनुभव कि जो शायद कभी ना सोचा हो कि जम्मू में ऐसा कुछ आएगा और हम उस पर राइड लेंगे, कैसा लग रहा है इस समय? मुझे तो बहुत अच्छा लगा, पहले डर था लेकिन अभी अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। थैंक यू स्नेहा जी, थैंक यू सो मच ग्रेटर जम्मू के साथ बात करने के लिए। थैंक यू। मिलेंगे वीडियो जर्नलिस्ट अश्विनी कुमार के साथ, मैं नितिन कनोत्रा, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के लिए।